हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सी बारबी। इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी और इसका फर्स्ट पार्ट मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे इसकी आईज से। तो हम इसको फर्स्ट लेयर में ब्लू कलर से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे और फिर से उसके बाद डबल लेयर से ड्रॉ करेंगे। इसमें बहुत फाइन लाइन से ड्रॉ करनी है और बीच बीच में शेड भी करना है उसी कलर से। और आई के अपर पार्ट में थोड़ा सा ब्लू कलर था तो हम लोग ने वहाँ पे भी थोड़ा सा शेड किया है। अब हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट आई में। नेक्स्ट आई को भी ब्लू कलर से बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे कलर से। आप चाहें तो यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग स्टम्प या कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर से ही ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग पूरा प्रोसेस सही से देखिए और आप इसे देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे आई का प्यूपल जो कि ब्लैक कलर से है। उसके बाद हम लोग उसमें आउटलाइंस करेंगे। आउटलाइंस बहुत ढंग से करनी है और इसमें बीच बीच में थोड़े से हाइलाइट्स भी हैं वाइट कलर के। अब हम लोग लगाएंगे आईलाइनर, कैट आई आईलाइनर। रियल लाइफ में तो ये लग नहीं पाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ड्राइंग में ज़रूर लगा लूँ। सेम प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट टाइम में भी कर देंगे, ब्लैक प्यूपल एंड आईलाइनर। मुझे जहाँ भी लगेगा कि मुझे गाइड करने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे गाइड करती रहूँगी। बाकी आप लोग पूरा प्रोसेस देख सकते हैं और उसे एंजॉय भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो मेरी आवाज़ एकदम फटेबाज जैसी आ रही होगी, तो आप लोग उसे भी चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो सुन सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप इग्नोर करें। इसके बाद हम लोग स्किन कलर से फेस को शेड करेंगे फर्स्ट लेयर में, और फर्स्ट लेयर बहुत ही लाइट करेंगे क्योंकि फिर डार्क स्पॉट जैसे लाइनिंग दिखने लगती है। इसलिए आप लोग को बहुत स्मूथली पेंसिल को पकड़ के उसे बहुत स्मूथली ड्रॉ करना है, और राउंड राउंड में जैसे हम लोग स्क्रिबल करते हैं। इसके बाद हम लोग नोज़ को शेड करेंगे और उसके बाद उसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से। फर्स्ट लेयर करने के बाद हम थोड़ा सा डार्कर शेड में जाएंगे। डार्क शेड से फिर हम लोग थोड़ा सा और हाइलाइट्स देंगे फेस को। अब मैं आप लोगों के कानों को थोड़ा सा आराम देना चाहूँगी और अपनी गंदी सी आवाज़ को रोकना चाहूँगी ताकि आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से एंजॉय कर सकें और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से एंजॉय करिए। यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर शेड में जाएंगे और थोड़ा सा हाइलाइट्स देंगे फेस के फीचर्स को, और यहाँ पे भी आपको स्क्रबलिंग करनी है।
आईब्रोज़ को थोड़ा सा लिफ्टेड बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा शेड भी करेंगे। उसके बाद हम लोग पिंक कलर का यूज़ करते हुए सॉफ्ट स्किन टोन देंगे और चीक्स पे भी थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए हम लोग पिंक कलर का यूज़ करेंगे। अब आ गई है लिप्स की बारी। तो लिप्स में हम लोग पहले आउटलाइंस कर लेंगे और आउटलाइंस जहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया है वहाँ पे थोड़ा डार्क करेंगे और जहाँ पे थोड़ा सा लाइट एरिया है वहाँ पे हम लोग बहुत हार्श लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे ताकि लुक लिप्स थोड़े से रियलिस्टिक दिखें। तो हम लोग थोड़ी ही जगह पे और कर रहे हैं और हाईलाइट के लिए स्पेस छोड़ देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं disha.arts। थैंक यू सो मच।